हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एनबीएस टीजीटी मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। ये लेक्चर एकदम टू द पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। इसमें मैं क्वेश्चंस एज वेल एज इसके थ्योरी भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आने की प्रबल संभावना आपके एग्जाम में है। तो लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेक्चर लंबा होगा क्योंकि पूरे एक लेक्चर में मैं पूरे एक चैप्टर को कवर करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं, अगर आपने आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे जुड़ के आप जो है टीजीटी पीजीटी से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये दोनों का लिंक मैं, आयुष्मान क्लासेस ऐप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, मैं दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको एनबीएस टीजीटी का सिलेबस नहीं मालूम है तो सबसे पहले आप सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस अगर आपको मालूम होगा तभी आप सटीक तैयारी अपनी कर पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट कब आता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास हो जाएगा 4ac। यहाँ से सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जरा वैल्यूज आपके फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन दिस इक्वेशन। कह रहा है इन इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल है। अब देखिए, रियल एंड इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता ही है, अभी मैंने लिखा भी था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशियंट जो कि कितना है? -2k। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि 1 हो जाएगा। सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास कितना है? 7k माइनस 12 है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप 4 को डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास? 7k प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे हम लोग तो के माइनस 4 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 और 3 आ जाएगा, या 3 और 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इन लेक्चर ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, और आप इसको मिनिमम टाइम में करने की कोशिश करिए, और अगर उसके बाद सोल्यूशन नहीं समझ में आता तो आप जरूर देखिए इनको, और उसके बाद अपने मेथड को, हमारे मेथड से आप कंपेरिजन करवाइए। ठीक है, चलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन व्हाट। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी क्या है मेरे पास? एक्स का कोफिशियंट है जो कि कितना हो जाएगा, मतलब एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है मेरे पास? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि कितना है? 1 प्लस m स्क्वायर है। और c मेरे पास कितना है? कॉन्स्टेंट टर्म जो कि कितना है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 4 4 को कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको मैं ब्रैकेट में को ओपन कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले 1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब मैं एम स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास मिलेगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर को मैं राइट में ले लेता हूँ, लेफ्ट में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन द रेशियो 3:2 देन एम इज इक्वल टू व्हाट। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स 3:2 रेशियो में, तो मैं मान लेता हूँ इसके रूट्स हैं 3α और 2α। इसके बाद मैं फार्मूला लगाऊंगा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस एम अपॉन ए कितना है? 12 है।
मतलब मेरे पास 5 अल्फा कितना हो जाएगा, -m/12, तो यहाँ से मेरे पास अल्फा कितना हो जाएगा, -m/60 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाएं तो 3 अल्फा में 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, c/a आएगा, 5/12 आएगा, मतलब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12। और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से रख दूंगा, तो 6 अल्फा स्क्वायर का मतलब पहले इक्वेशन का स्क्वायर करके यहाँ लिख दूंगा, m² / 60 * 60 हो जाएगा और इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। 12 5 = 60 हो जाएगा और 6 10 = 60 हो जाएगा। तो m² मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 * 5 * 5 कितना हो गया, 25 25, 250 हो जाएगा मेरे पास m². तो मेरे पास जो m की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √250, तो कितना आ जाएगा, 5 √10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी 1 देन व्हाट। ठीक है, कहा जा रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट होगा, तो मैं मान लेता हूँ एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा -1 होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब मैं फार्मूला अगर लगाऊँ इसमें, तो सम ऑफ द रूट्स हम लोग लगाएंगे, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b करेंगे तो कितना हो जाएगा, +b, और डिवाइडेड बाई a कितना है, 1 है, तो b/1 हो गया। यहाँ से मेरे पास 2 अल्फा = कितना हो गया, b+1, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b+1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अल्फा चूंकि इसका रूट है, किसका, x²-bx+c = 0 का रूट कौन है, अल्फा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो α²-bα+c = 0 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर दूं, तो 1 + b² / 4 - p, अल्फा कितना हो जाएगा, 1 + b / कितना हो जाएगा, 2 + c = 0। मुझे निकालना क्या, मुझे रिलेशन निकालना है, ये एलसीएम मैं ले लेता हूँ, तो 1 + b² + 2b, और यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, तो 4 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट में, 1 + b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +4c = 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 + b² + 2b, फिर -2b - 2b² और प्लस कितना मिल जाएगा, +4c = 0। ठीक है, तो +2b - 2b कट जाएगा, और b² - 2b² कितना आएगा, -b², उसको मैं राइट में ले जाता हूँ, तो b² फिर कितना हो जाएगा, -4c - 1 = 0। b² - 4c - 1 = 0 के साथ हम लोग का जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, कहा जा रहा है इफ 1 - b इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इट्स रूट्स आर व्हाट। ठीक है, कहा जा रहा है 1 - b इसका एक रूट है। ठीक है, तो 1 - b अगर इसका रूट है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 1 - b इसका क्या है, रूट है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूँ 1 - b² और +b x यहाँ पे रख दिया 1 - b और +1 - b = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - b को मैं कॉमन कर लेता हूँ, रूट है। ठीक है ना, तो 1 - b को मैं मतलब डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1 - b और +b और +1 = कितना मिलेगा, 0। ठीक है, +b - b कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे कुछ एब्सर्ड रिजल्ट मिलेगा, है ना, इस तरीके से मुझे एक एब्सर्ड रिजल्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, 2 = 0 मिलेगा, इस स्टेप को लगाने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 1 - b इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन इट्स रूट्स आर व्हाट। ठीक है, 1 - b इसका रूट है, तो पूछा जा रहा है इसके रूट्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं, चलिए 1 - b एक रूट हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला कितना हो जाएगा, -b/a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेरा जो -b - b होगा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो एक रूट मेरे पास कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, किसको, x² + bx + 1 - b = 0 को अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो x यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, -1। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, +1, फिर अल्फा इसका रूट है ना, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, α² + bα + 1 - b = 0, अल्फा की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 - b + 1 - b = 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, 2 - 2b = 0, तो b = मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसका मतलब जो दूसरा रूट बताया गया था 1 - b है, 1 - b की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके दो रूट्स कितने हो जाएंगे, -1 और 0 हो जाएंगे, तो -1 और 0 के साथ जो हमारा बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, कहा जाए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा -b/a,
मतलब माइनस रूट अल्फा आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो कितना आ जाएगा, सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब बीटा अपॉन वन हो जाएगा। बीटा बीटा को अगर कैंसिल कर दें यहाँ से, ठीक है, तो मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक। और अल्फा इज इक्वल टू वन अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ तो वन प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, बीटा के वैल्यू कितने हो जाएंगे, माइनस टू। इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, अल्फा और बीटा के वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन और माइनस टू। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर देन द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो एक रूट अल्फा हो जाएगा, दूसरा रूट 6 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है एक रूट दूसरे का क्या 6 टाइम्स है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स की अगर हम लोग फार्मूला लगाए तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो 14 बाई ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा, मतलब 8 बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ से 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी, 7 से मैं डिवाइड कर दूं अगर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन पी हो जाएगा। मुझसे पी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 6 इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। पी को पी से मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पी नॉन जीरो है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पी नॉन जीरो है, इसलिए मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या मिलेगा, 8 पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है, द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। दो ऐसे इंटीजर्स आपको ऑड इंटीजर्स खोजने हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, है ना, जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कहा जा रहा है ऐसे दो खोजिए जिनके स्क्वायर का सम कितना 290 हो। तो इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। तो क्या 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और 11 का स्क्वायर 121। देखते हैं इसका सम 290 आएगा, यहाँ पर 2 आ गया तो 0 चाहिए मुझे, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, कितना हो जाएगा 0, और 6 और 2 9 और 2 290 आ गया, 219 आना ही चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस देन ए बी इज इक्वल टू व्हाट। अगर x इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट है, ठीक है, तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ, x स्क्वायर प्लस x प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट कौन है, x इज इक्वल टू 1 है, तो x जहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझसे पूछा क्या है ए बी क्या होगा, तो b इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 इसका भी रूट है पहले इक्वेशन का, तो a इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस a इंटू 1 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a और a कितना हो जाएगा मेरे पास, 2a इज इक्वल टू माइनस 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। अब मुझसे पूछा गया कि ए बी कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3 बाई 2 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए कहा जा रहा है कि अगर आपके पास x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। देखिए मैं अभी इसको पॉलिनॉमियल ही बना के लिख लेता हूँ, मतलब उसके रूट्स हैं, मतलब इस पॉलिनॉमियल के क्या है, जीरोज हैं। कौन, अल्फा और बीटा, इसके क्या है, जीरोज होंगे, ठीक है। तो मैं कैसे लिख पाऊंगा इसको, दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ऐसे मैं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे पूछा जा रहा है कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और माइनस सी, तो मैं सी को मैं राइट में ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और माइनस सी, तो लेफ्ट में मेरे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो कौन है, ए और बी है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, पिछला वाला 11 था, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप लोग 12 बना लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या जा रहा है, ए बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स वन आवर मोस्ट, एक नाव है, एक नाव है, ठीक है ना, एक नाव है। कहा जा रहा है स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, ए बोट इन हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, जब पानी बह नहीं रहा है उस समय उसकी स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक बात है। टेक्स वन आवर मोर टू गो द 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर पानी इधर बह रहा है और अगर हमारा जो बोट है वो इधर ही जा रहा है,
इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम केस में होता क्या है, देखिए अगर पानी बह रहा है तो पानी का भी कुछ स्पीड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम मतलब धारा होता है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा। तो पानी का धारा या स्ट्रीम एक ही बात है, मतलब पानी का जो वेग है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मान लीजिए पानी की जो स्पीड है वो एक्स है, पानी की स्पीड कितना, स्पीड ऑफ, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, मतलब जब जिधर पानी बह रहा उधर ही नाव जाएगा ना, तो आप देखे होंगे नाव की स्पीड बढ़ जाती है। तो उस केस में जो नेट स्पीड होती है ना, नेट स्पीड डाउन स्ट्रीम केस में जो नेट स्पीड होती है, वो उसमें हम लोग बोट की स्पीड और जो पानी की स्पीड है दोनों को ऐड कर देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम केस में जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 18 हो जाएगा। और यही अगर अगर पानी अगर इधर बह रहा है और हम लोग नाव को लेकर उल्टे दिशा में जाएं, अपोजिट दिशा में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड में से जो नेट स्पीड हमारी होती है कैसे निकाली जाती है, बोट की स्पीड में से हम लोग पानी की स्पीड को माइनस कर देते हैं। बोट का स्पीड कितना है, 18, और उसमें से पानी की स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये कौन से केस में करते हैं, अप स्ट्रीम केस में हम लोग ऐसा करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस कितना, 24 किलोमीटर। तो कहा जा रहा है कि जब आप अप स्ट्रीम में जाएंगे तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम फार्मूला में लिखूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 24 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम केस में स्पीड मेरा कितना है, ऑप्शन से लेकर मुझे चेक करना है ना। चले मैं 8 को ले लेता हूँ, 8 लेके चलता हूँ। तो इस यक्स की वैल्यू कितनी है, यक्स किसका स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड है ना। स्ट्रीम का स्पीड कितना, एक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम डाउन वर्ड्स डायरेक्शन में जो स्पीड होगा कितना हो जाएगा, 18 प्लस 8 कितना जाएगा, 26। और टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा। तो यहाँ से टी हमारा कुछ फ्रैक्शन में आएगा, टी हमारा कितना आ जाएगा, 24/26। तो ये मेरा काम नहीं करता हुआ लग रहा है ना। चलिए 6 किलोमीटर को चेक करते हैं, है ना। वैसे आप इस यहाँ पे इक्वेशन बना के फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 6 किलोमीटर में ले लेता हूँ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो अब मेरा स्पीड कितना हो जाएगा, 18 प्लस कितना हो जाएगा 6। तो स्पीड कितना होगा, 24। डिस्टेंस कितना है, 24। और टाइम फिर कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1 आवर। टाइम कितना लगेगा, 1 आवर। अब आप स्ट्रीम केस में देख लेते हैं, आप स्ट्रीम कितना, 18 माइनस x, स्पीड कितना, 18 माइनस x, x कितना है, 6 है। 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12। स्पीड होगा 12, डिस्टेंस कितना, 24। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, t dash कितना लगेगा, 2 आवर। क्या सेटिस्फाई हो गया, ये कह रहे थे कि अप स्ट्रीम में जितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम वाले से 1 घंटा ज्यादा लगेगा। बिल्कुल लग रहा है 1 घंटा ज्यादा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन व्हाट। देखिए अगर इसके रूट्स, पहली बात इसका एक रूट वन है, ये मैंने कैसे पता किया, देखिए कभी भी अगर जो यक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ए माइनस बी, यक्स का कोफिशियंट है बी माइनस सी, और कॉन्स्टेंट टर्म में सी माइनस बी, एक बार इसको ऐड करके देखिए। तो ए माइनस बी है, और यक्स का कोफिशियंट कितना, बी माइनस सी, कॉन्स्टेंट टर्म कितना, सी माइनस सी। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी से कट जाएगा, ए माइनस ए से कट जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब भी इस तरीके का कंडीशन हो तो आपको तुरंत कंक्लूजन निकालना है कि यक्स इज इक्वल टू 1 मेरा क्या है, इसका एक रूट है। क्यों, क्योंकि यक्स इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। ये कब लगाएंगे हम लोग, जब हमारे यक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, यक्स के कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म का सम 0 आता हो, तुरंत कंक्लूजन निकालना है यक्स इज इक्वल टू 1 इसका क्या है, एक रूट है। अब कह रहे हैं इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट भी 1 होगा। तो आप, मैं फार्मूला लगा देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। सी का मतलब क्या, कॉन्स्टेंट टर्म जो कि कितना है, सी माइनस ए, और डिवाइडेड बाई ए का मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कितना है, ए माइनस बी। यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा ट्वाइस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है -5 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। -5 इसका रूट है, किसका रूट है, 2x² + px - 15 = 0। इसका एक रूट -5 है, तो कितना हो जाएगा, -5² 25 × 2 50, और यहाँ पे -5p, और -15 = कितना मिलेगा, 0। यहाँ से 5p = मुझे मिलेगा 35p = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब पी इक्वल टू 7 में अगर सेकंड इक्वेशन रख दूँ तो 7 कितना हो जाएगा, x² + x + k = 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 7x² + 7x + k = 0। कहा जा रहा है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा,
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए कितना 7 है, सी कितना के है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 28 के इज इक्वल टू 49। तो के की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, माइनस बी करेंगे कितना आ जाएगा प्लस के प्लस 6 आ जाएगा, अपॉन ए कितना 1 है, और हाफ टाइम्स अल्फा बीटा कितना सी बाई ए, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 2k-1, ये हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, के प्लस 6 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 2k-1, 2k-k कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का जरा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से अच्छा है, बेटर सॉल्व तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर ये है कि हम लोग निकाल दें सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है? माइनस बी बाई ए फार्मूला लगाएंगे। माइनस बी बाई ए का मतलब क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए कितना? पी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना मिलेगा मुझे? क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और कितना मिलेगा? -1। अब ऑप्शन में देखते हैं क्यू स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स किस में मिलेगा। पहले में अगर सम ऑफ द रूट्स मुझे मैं निकालने जाऊं तो यही तो मुझे मिलेगा, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर -1, मतलब ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, यहाँ पर रूट्स निकालना है, आप निकाल दीजिए इसको। ठीक है, तो मैं फार्मूला डायरेक्ट लगा देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फार्मूला आप लगा दीजिए यहाँ से। तो माइनस बी कितना हो जाएगा? -4√3, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, माइनस फोर ए सी, 4 4 जा 16 3 जा 48 अपॉन टू ए, टू ए करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये तो ब्रैकेट जो अंडर रूट है वो 0 मिल गया, इसका मतलब इसका दोनों रूट्स इक्वल हैं, और कितने हैं? -4√3/8 कमा -4√3/8, कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब इसके दोनों रूट्स कितने हैं? -√3/2 और -√3/2 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स कब मिलते हैं? जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, 8 × 8, और कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस 64 इज वॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पी माइनस 8, पी प्लस 8 इज वॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पर मैं लिखूंगा, पहले पहले मैं इसको, इसका जो रूट है कितना? -8, पहले -8 लिखूंगा, फिर इसका रूट कितना? +8, तो 8 लिखूंगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। नंबर लाइन रूल या बेबी कर मेथड लगाएंगे यहाँ पे हम लोग। अब साइन लिखना है आपको, प्लस माइनस प्लस लिखना है। मुझे क्या चाहिए? ऐसा पी चाहिए जो इसको क्या बनाता हो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ 8 के आगे से कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे 9 ले लीजिए और इसमें आप पुट कर दीजिए। तो 9 - 8 कितना आएगा? 1, और 9 और 8 कितना होगा? 17। पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। इसी तरीके से -8 और 8 का कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे 0 ले लेते हैं और इसमें रख दीजिए। और 0 - 8 कितना आ जाएगा? -8, और 0 तो कितना आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो कहाँ पर मिलेगा? 8 के आगे मिलेगा, -8 के पीछे मिलेगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया? पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 और पी इज लेस देन आर इक्वल टू -8। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द होल नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20। ठीक है, कोई चले ऑप्शन से चेक करेंगे। मैंने 2 ले लिया, उसको जब कहा जा रहा 20 इंक्रीज कर देंगे, देन इक्वल टू 69 द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये दोनों बराबर आएगा क्या? नहीं बराबर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। चले सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो 3 में पहले क्या करा? 20 बढ़ा दीजिए, फिर 60 टाइम्स इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, करके देखते हैं। राइट में कितना आ रहा? 20, और लेफ्ट में आ रहा 23, तो बराबर नहीं आया, इसका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। थर्ड में चेक कर लेते हैं, 1 और प्लस 20, और राइट में क्या करना है? राइट में करना 69 टाइम्स करना था ना, यहाँ मैंने शायद गलत कर दिया, 69 था, तो 3 से कट करेंगे 23 आ जाएगा। राइट में 23, लेफ्ट में 23 है, तो बराबर आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का जरा, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वान, स्वान का मतलब हंस होता है, हंसों का एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? 7/2 times द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ ए टैंक, 7/2 times। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, मान लीजिए उसको क्या लिख देता हूं मैं, अंडर रूट एक्स। ठीक है,
कहा जा रहा है आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वान्स 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ ए टैंक द टू रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग टू रिमेनिंग वंस मतलब इसमें टू मैं और ऐड कर देता हूँ आर प्लेइंग विथ एमोरस फाइट इन वाटर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स। तो टोटल यही तो आएगा ना, ये टोटल आएगा। मैं मान लेता हूँ कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, लेट टोटल नंबर ऑफ स्वान्स इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन बनाइए। कहा जा रहा है 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स आर, तो 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ये हो गया अंडर रूट एक्स। और टू कहाँ खेल रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, दो रिमेनिंग बचे में प्लस टू कर दिया, तो किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ स्वान्स के बराबर हो गया। इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टू को राइट में ले लेता हूँ, एक्स माइनस टू और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2 रूट एक्स। टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2x-4, ठीक है ना। और दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, 2x-4, ठीक है ना, 2x-4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर कितना आ जाएगा, 49x आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4x² + 16 - 16x और -49x = 0, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 4x² - ये कितना मिल जाएगा, -65x + 16 = 0 मिलेगा, ठीक है। 4x² - 65x + 16 = 0। इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4x² - 64x - x + 16 = 0। यहाँ से 4x कॉमन कर लेंगे, x-16 - 1 कॉमन कर लेंगे, x-16 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो नंबर ऑफ स्वान्स फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कितने प्रेजेंट है, 16 है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना का, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में मिसिंग है एक्चुअली, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 16 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कहा जा रहा है टू डिजिट नंबर है, ठीक है, टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। चलिए आंसर से चेक करते हैं, डिजिट का प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले में भी 12 है, दूसरे में भी 12 है, तीसरे में भी 12 है और चौथे में भी 12 है, इतने से काम नहीं चलेगा। कहा जा रहा है इफ व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, पहले में 36 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 70। तो कह रहा है कि अगर 36 ऐड कर देंगे देन द डिजिट्स इंटरचेंज, पहले 34 था तो अब कितना हो जाना चाहिए, 43 होना चाहिए, तो हुआ नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड को चेक करते हैं, 43 में मैं क्या करूँ, 36 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 4 और 3 7, 79 हो गया। एडेड टू दिस नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज, इंटरचेंज करके कितना बन जाएगा, 34 बनेगा, ये तो बना नहीं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट है। थर्ड को चेक करते हैं, 62 में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, 62 में मैं क्या ऐड कर दूं, दिस इंटरचेंज देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है। मुझे लगा 62 में भी मुझे नहीं मिलेगा, डी ऑप्शन में मैं चेक करता हूँ, छोटा नंबर से देखना पड़ेगा। 26 में मैं 36 ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 12 और 6 62, और इसका इंटरचेंज कर देते नंबर कितना बनेगा, 62। देखिए बराबर आ गया, डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको आंसर से चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 22। हाइपोटेनस ऑफ ए लैंड इन द शेप ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो क्या है, 1 मोर देन 2 द शॉर्टेस्ट साइड। मान लीजिए ये शॉर्टेस्ट साइड एक्स है, तो जो मेरा हाइपोटेनस है उसका 2 से एक ज्यादा है, ठीक है। एंड इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड तो एक्स है, तो थर्ड साइड कितना हो जाएगा, x+7। तो पूछा जरा फाइंड द साइड्स, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 2x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x2। इसको सॉल्व करिए आप, तो 4x² + 4x+1, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x² + 49x + 14x और + x², ठीक है। और 2x² हो जाएगा और 4x - 14x - 10x और 1 और -49 - 48 = 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, x² - 5x - 24 = 0। और इसका अगर हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, x-8 और x+3, x-8 और x+3 = 0। तो x इज इक्वल टू आ गया -3 और x इज इक्वल टू आ गया 8। तो साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या, x इज इक्वल टू 8, साइड कितनी आ गई, 8 और 7 15 और 17 8 15 17, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x, देखा अब इसको सॉल्व करने से अच्छा है मैं इसको ऑप्शन से चेक कर लूँ। कैसे चेक करूंगा,
चले सम ऑफ रूट्स हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, बड़ा इक्वेशन है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना होगा, 9 टाइम्स a प्लस b, और डिवाइडेड बाई ए कितना, 9। तो सम ऑफ द रूट्स मेरा कितना आ गया, a प्लस b। अब ऑप्शन में चेक करिए, जो दो रूट्स दिए गए किसका सम a प्लस b आएगा। चले मैं सेकंड को चेक करता हूँ, आप फर्स्ट को भी चेक कर सकते हैं, सेकंड को मैं चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ट्वाइस a/3 + b/3, और दूसरा रूट क्या है, a/3 और प्लस कितना है, 2b/3। ऐड करिए इसको, 2a/3 में a/3 को ऐड किया कितना आ गया, a आ गया, और b/3 में 2b/3 को ऐड किया कितना आ गया, b आ गया। सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, a+b, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर आप डिटेल मेथड से जाएंगे तो इसमें आप कम से कम आप 3 से 4 मिनट लगाएंगे, मैं इसका एक शॉर्टकट बता दूंगा आपको। कहा जा रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगी, अल्फा टाइम्स डिवाइडेड बाई ए बीटा प्लस बी अपॉन बीटा टाइम्स ए अल्फा प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं मान ले, चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जो रूट्स आते हैं वो कितने आते हैं, -3 और -2। ठीक है, इसको मैं कंपेरिजन करवा देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -3, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब जो मुझे पूछा जा रहा है उसको निकालते हैं। तो कह जा रहा अल्फा, अल्फा कितना है, -3 अपॉन ए, ए कितना, 1, बीटा, बीटा कितना, -2 प्लस बी, बी कितना, 5 प्लस बीटा टाइम्स, बीटा टाइम्स कितना है, बीटा टाइम्स -2 अपॉन ए अल्फा, ए कितना, 1, अल्फा कितना, -3 प्लस बी, बी कितना, 5। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो -3 अपॉन 5 - 2 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे -2 और 5 - 3 कितना हो गया, या ऐसे कर लीजिए -2 और 5 - 3 कितना हो गया, 2, कितना आ गया, -1, यहाँ से कितना आ गया, -1, कुल मिला कितना आ गया, -2। ठीक है, तो -2, आइए ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन 2/a, ये कितना, 1 है ना, तो कितना जाएगा, 2/1, मतलब 2 आएगा, मुझे आना चाहिए -2, ये इनकरेक्ट है। डी वाला देख लेते हैं, -2/a है, तो -2 अपॉन ए कितना मेरे पास है, ए मेरे पास कितना, 1 है, ये कितना आ गया, -2, यही करेक्ट ऑप्शन होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको शॉर्टकट भी लगा लेना चाहिए, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कहा जा रहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। अब देखिए देखने में थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्वरूप है इसका, बट आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। मैं इसको देखिए ऐसे लिखूंगा, 4 की पावर x को मैं लिखूंगा 2 की पावर x² ठीक है, करेक्ट, और -3 टाइम्स ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर x * 2³। ठीक है, और +128 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर 2 की पावर x को t मान लूँ, अगर मैं 2 की पावर x को कितना मान लूँ, t मान लूँ, तो क्या बन जाएगा, t² माइनस ये 2³ कितना हो जाएगा, 8, 8 3 = 24, 24t और +128 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग जो फैक्टर करने जाएं, अगर तो इसका फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 का कितना आ जाएगा, 128 का फैक्टर निकालेगा 2 6 जा 2 4 जा 2 32, और 2 यहाँ से 2 16, ठीक है ना, 2 8 और 2 4 और 2 2 2 1, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे कितना जाए, 24, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 और 8, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको x - 16 और x - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। x किसको बोला था, सॉरी t आ जाएगा ना, t - 16 t - 8, तो t की वैल्यू 16 और 8। t आपने किसको बोला था, 2 की पावर x को, और 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पर t इज इक्वल टू 8 है, और 2 की पावर x = 2³, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये पूछे सम निकालना है, सम ऑफ द रूट्स, तो 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर कितना जगह 7 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ देर के लिए देखिए, मैं अगर इसको वाई मान लूँ, तो वाई क्या लिखा हुआ, √6, फिर उसके भीतर √6, फिर उसके भीतर √6 एंड +1 up to infinity तक है। तो देखिए इस बात को ऐसे समझा जाता है कि यहाँ की चीज को अगर अगर इतनी चीज को आप ध्यान से देखें, तो √6 + √6 + √6, चूंकि इनफाइनाइट टाइम है, इनफाइनाइट टाइम में अगर एक नंबर में कम भी कर दूं, मतलब एक पूरा समुद्र है, अगर उसमें से एक लोटा पानी में निकाल भी लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1/6 में अगर कम भी कर दूं, तो भी ये क्या है, ये y लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, y = √6 + y, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो y²
इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसको फैक्टर कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो वाई माइनस 3 और वाई प्लस 2 ठीक है इज इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। तो माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती है, तो वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो यहाँ से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा सी बाई ए। पूछ रहे हैं कि देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, नीचे अल्फा बीटा कितना 4, 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 8, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 32 अपॉन 4 कितना हो जाएगा -27 अपॉन 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, पूछ रहा है कि कौन सा सेटिस्फाई करता है, तो चलो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, और प्लस कितना है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ, क्या कॉमन है बी स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना बचेगा एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर एक्स ठीक है ना, और प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से मैं -1 कॉमन कर लूँ तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन बी स्क्वायर और एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्या 1 माइनस -1 अपॉन ए स्क्वायर है, नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएंगे तो कितना था माइनस बी बाई ए, कितना आ जाएगा माइनस रूट अल्फा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा सी बाई ए, यहाँ से बीटा बीटा को कैंसिल कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, फर्स्ट में पुट कर दीजिए अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो अल्फा की वैल्यू -2 आ जाएगी। आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, अल्फा स्क्वायर 4 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर 1, कुल मिला के मेरे पास 5 आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, पूछा जा रहा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 कितना होगा, अभी मैंने करवाया, मैं मान लेता हूँ ये वाई है, वाई कितना है अंडर रूट 9 प्लस उसके भीतर अंडर रूट 9 प्लस उसके भीतर अंडर रूट 9, कहाँ तक अप टू इन्फिनिटी तक, कहाँ तक अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो फिर से वही बात है, अगर इतने को आप ध्यान से देखिए तो ये भी वाई लिखा हुआ है, अंडर रूट में 9 प्लस अंडर रूट में 9 अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर मैं एकाध टर्म चुरा लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको लिखूंगा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर दीजिए वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 9 का फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो चूंकि चलिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस रूट 37 बाई 2 और 1 माइनस रूट 37 बाई 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, दिस इक्वेशन हैज, इसके पास कितने रूट्स हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कितने रूट हैं, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8x, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3 और एक्स इज इक्वल टू आ गया 6। अब चेक करेंगे क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पहले मैं 3 चेक करूंगा इस इक्वेशन में रख के, चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने स्क्वायरिंग किया, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा रूट भी आ गया हो इसमें, तो चेक कर लिया करिए इसको आप, तो 3 रखेंगे पहले, 3 प्लस 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, क्या 4 इज इक्वल टू 4 आया, सेटिस्फाई किया, हाँ सेटिस्फाई किया। 6 को चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 6 माइनस 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और राइट में कितना 4 है, लेफ्ट में 8 राइट में 4 है, तो बराबर नहीं आया, इसका मतलब 6 इसका रूट नहीं होगा, सिर्फ एक रियल रूट इसका आएगा, तो 1 रियल रूट आएगा इसका, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेंड ग्राफिकली बाय फाइंडिंग द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एक्सेप्ट, पूछ रहा है ना इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है, रूट्स निकालना है, तो किन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, वे पहले इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे वाई की वैल्यू को इक्वेट करेंगे कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो यहां से आप नहीं निकाल पाएंगे, दूसरे से देखिए क्या होगा, वाई की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देखिए पहला वाला इक्वेशन बन रहा है, तो दूसरे से हम लोग निकाल सकते हैं,
तो ये दूसरे से निकाल सकते हैं। ये पूछ रहे किससे नहीं निकाल सकते हैं, पहले वाले से नहीं निकाल सकते, दूसरे से निकाल सकते हैं, तो ये काम का नहीं है। तीसरे वाले से भी आप निकाल पाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, वाई की वैल्यू को इक्वेट कर दिया तो कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर से देखिए ओरिजिनल इक्वेशन मिल गया, तो तीसरे से भी मैं इसको वही वाला इक्वेशन मेरा बनेगा, चौथे से भी बनेगा, एक किससे नहीं बनेगा, फर्स्ट से नहीं बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है इन दिस इक्वेशन द रूट्स आर इक्वल व्हेन, पूछ रहे यम की वो क्या वैल्यू हो इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं इसको ऑप्शन से चेक कर लूंगा क्योंकि लंबा चौड़ा सा इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, जीरो तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर यम नीचे जीरो में है, तो समथिंग अपॉन जीरो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। वन भी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे यम माइनस वन है, मैं माइनस टू से स्टार्ट करूंगा, माइनस वन बाय टू से स्टार्ट करते हैं, यम का जगह माइनस वन बाय टू रख के देखते हैं तो क्या होगा, एक्स एक्स माइनस वन, फिर माइनस वन बाय टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री बाय टू, फिर नीचे आ जाते हैं एक्स माइनस वन, फिर माइनस ऊपर कितना था, माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो ये वन बाई टू आएगा ना, यहाँ पे वन बाई टू आएगा। ठीक, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है प्लस वन बाई टू आएगा, नीचे माइनस वन बाई टू माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, और राइट में एक्स और नीचे माइनस वन बाई टू का मतलब कितना आ जाएगा, माइनस टू। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं इसको थोड़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस वन फिर माइनस थ्री बाई टू और मल्टीप्लाइड बाई कितना, माइनस टू एक्स, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और कितना है, माइनस वन बाई टू है। ठीक है ना, तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री एक्स और कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन, और इधर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स, और यहाँ से प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये कितना बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और इसको ये तो बन चुका है परफेक्ट स्क्वायर, टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, वन बाई टू वन बाई टू। ये चाह रहे थे कि यम की वैल्यू क्या हो जिसके इसके रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, यम इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो ऑप्शन से कभी कभी आपको चेक कर लेना चाहिए। कहा जा रहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज वन देन अदर रूट इज व्हाट, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, ए बी माइनस सी, मल्टीप्लाई करिए ए बी माइनस ए सी, एक्स का कोफिशियंट कितना, बी सी माइनस ए कितना हो जाएगा, बी सी माइनस बी ए, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, सी ए माइनस सी बी, इनको ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे तो प्लस सी ए माइनस सी ए से कट गया, प्लस बी सी माइनस बी सी से कट गया, प्लस ए बी माइनस ए बी से कट गया, कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन इसका एक रूट है। तो और कहा जा रहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज वन देन अदर रूट इज वॉट, मैं मान लेता हूँ चलिए अदर रूट इसका क्या है, वन तो इसका रूट है, इन्होंने बता ही दिया था, इसलिए मेरा मेहनत थोड़ा सा बेकार गया क्योंकि इन्होंने कह दिया एक्स इज इक्वल टू वन इसका एक रूट है। दूसरा रूट मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, एक रूट तो वन हो गया, दूसरा रूट मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, सी बाई ए, तो कितना आ जाएगा, सी टाइम्स ए माइनस बी अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी, तो मेरा अल्फा कितना आ जाएगा, सी ए माइनस बी अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, अब देखिए इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको स्क्वायर वगैरह हटाना पड़ेगा, उसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा, तो आपको ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए। मैं टू रख के देखता हूँ, तो अंडर रूट टेन माइनस वन बनेगा, और प्लस कितना बनेगा, टू माइनस वन वन बनेगा, नाइन मतलब थ्री प्लस वन, लेफ्ट में फोर और राइट में टू है, ये तो बराबर नहीं है, टू नहीं है इसका सोल्यूशन, टू इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। तो वन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं ये चेक करना है, कितना आ जाएगा, फाइव माइनस वन फोर, और वन माइनस वन जीरो इज इक्वल टू टू, फोर का स्क्वायर रूट टू, टू इज इक्वल टू टू, सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा है दिस इक्वेशन हैज हाउ मेनी रूट्स, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं इसके लिए, स्क्वायरिंग कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले वन को मैं राइट में कर देता हूँ, तो अंडर रूट एक्स प्लस फोर और माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन, स्क्वायरिंग कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे, कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, वन हो गया। ठीक है, एक्स और एक्स कितना होगा, टू एक्स, फोर माइनस थ्री कितना हो गया, वन, और माइनस टू अंडर रूट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और फोर एक्स माइनस थ्री एक्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू वन हो गया, वन वन कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, इसको राइट में ले लेते हैं, टू एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, टू टू कट कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वेल्व आ गई। ठीक है ना, तो क्या ट्वेल्व इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
रख के देख लेते हैं, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, 16 अंडर रूट में, और 12 - 3 कितना हो जाएगा 9, और +1 0 आएगा, देखते हैं तो कितना आ जाएगा 16, 4 - 3 + 1, 5 - 3 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0। ये तो गलत बात है, रॉन्ग है, इसका मतलब 12 इसका सोल्यूशन नहीं है। क्यों आ गया 12 इसका सोल्यूशन? क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया था, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं ना इसलिए एक्स्ट्रा रूट कभी कभी आ जाते हैं, इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये कह रहे हैं कि नो रूट, नो रूट तो कहना गड़बड़ होगा, वन रियल रूट ये भी गड़बड़ है, और ये कह रहे हैं वन रियल, रियल तो मिला ही नहीं एक भी, टू इमेजिनरी रूट्स ये कह सकते हैं हम लोग, टू इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 36 के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 36 के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 36 के लिए नो रूट, ये कह रहे थे नो रूट, क्या हम लोग कह सकते हैं ऐसा, नो रूट, नो रियल रूट तो कह सकते हैं, या हालांकि रियल नंबर में ही ये बात किए हैं, तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, नो रियल रूट, ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कहा जा रहा है, इफ बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट, देन द क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जरा, क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है कि इस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर व्हाट, तो इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे, टू सेटिस्फाई करवाते हैं, तो अंडर रूट में कितना मिल जाएगा 4 - 3 यहाँ पे आ जाएगा 1, 6 - 5 कितना आ जाएगा 1, और 10 यहाँ से कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है ये, तो 2 तो आ जाएगा, क्या 7/6 हमारा सोल्यूशन आएगा, तो इसको आप 7/6 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 7/6 आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है सिर्फ 2 इसका क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो इसको आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दिस एक्सप्रेशन इज फैक्टराइज इंटू टू लीनियर फैक्टर, देखिए ये लीनियर फैक्टर में तब हो पाएगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कब होगा, फार्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस इस, ये कह रहा फैक्टराइज इंटू टू लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज होने का मतलब दो रियल रूट्स मिलेंगे, और दो रियल रूट्स कब मिलते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से k - 2 k + 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, -2 + 2 साइन दे देंगे प्लस माइनस प्लस, मुझे पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब k क्या मिलेगा, या तो 2 से बड़ा मिलेगा या तो -2 से छोटा मिलेगा, ठीक है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा, क्वेश्चन नंबर 40 कहा जा रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, अब देखिए अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -b/a, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा c/a, दूसरी बात अल्फा इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 α - 2 इज इक्वल टू 0, और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 β - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझसे पूछा है ए टेन कितना होगा, तो इस फार्मूले में रख के हम लोग ए टेन निकाल लेते हैं, तो ए टेन कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, और तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए टेन -2 × a8 और डिवाइडेड बाई 2 × a9, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए टेन कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 -2 × a8 कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × a9, तो अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं क्या कॉमन कर लूँ, अल्फा की पावर 8 कॉमन कर लूँ तो कितना बचेगा अल्फा स्क्वायर -2, और इन दोनों में से अगर मैं क्या कॉमन कर लूँ -β की पावर 8 कॉमन कर लूँ तो कितना बचेगा β² - 2 बचेगा, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना बचेगा 2 × α की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अगर मैं यहाँ से निकालूँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 मेरे पास आ जाएगा 6α, और β² - 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 6β, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा अल्फा की पावर 8, और यहाँ पे मैंने कितना रख दिया × 6α, और फिर -β की पावर 8 × 6β, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 × α की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, तो ऊपर 6 मैं कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 और अपॉन 2 × α की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ये कैंसिल होकर 6/2 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर व्हाट। देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या तो हम लोग इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 26 बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x स्क्वायर और प्लस 5 इज इक्वल टू 26x हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर्स जब हम लोग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x माइनस 5, और कितना मिल जाएगा, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू 5 मिल जाएगी और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/5 मिल जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते रहे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इफ दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन का मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, अल्फा माइनस अल्फा टाइप के होंगे, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स अगर मैं निकालने जाऊं इसका, ठीक है, इसका सम ऑफ द रूट्स निकालने जाए तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, 0। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, सम ऑफ द, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स प्लस बी अपॉन और एक्स प्लस ए, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी इज इक्वल टू 1/c हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स, यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस एक्स और सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स और प्लस कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ढंग से आप सॉल्व करिएगा। तो ये पूछ रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो सम ऑफ द रूट्स तो हमारा कितना हो गया, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाया माइनस बी बाई ए, ये आएगा माइनस बी बाई ए का मतलब 2c माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c यहाँ से मुझे मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फार्मूला कितना, सी बाई ए, मतलब ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास, पहले तो मेरे पास हो गया ए बी, ठीक है, और माइनस इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, कितना कॉमन ले लो, सी कॉमन कर लो, अगर सी कॉमन माइनस सी कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी बाई टू है। तो सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सी की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू रख देता हूँ, और ये भी कितना हो गया, ए प्लस बी हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए बी और माइनस ट्वाइस ए बी और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए बी तो कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कह रहा है इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानिए, इसमें ये तो देखिए मेरा क्यूबिक इक्वेशन है, ये भी मेरा क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है नहीं, पहला वाला क्वाड्रेटिक बनेगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रूट्स, तो इसका आप क्या करिए, इसको सॉल्व भी कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49/25, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/5, इसका रूट्स कैसे आ रहा है, रियल आ रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कहा जा रहा है अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई ए, और यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, माइनस के। सॉल्व कर देते हैं इसको, प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के आ जाएगा। मुझे के की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे या अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस के बाई 2 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 माइनस के बाई 2। अब अल्फा इसका अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस के का होल स्क्वायर, 1 माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस के टाइम्स अल्फा का मतलब 1 माइनस के बाई 2 और प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करेंगे के की वैल्यू, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 7 आ जाएगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हैज नो रियल रूट्स। बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग निकालें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया निगेटिव, निगेटिव है तो नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। ये क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहला ही ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब बाकी वाले क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए पहला वाला तो क्यूबिक है क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पावर हो जाएगा, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है,
और ये वाला क्या क्यूबिक है, ये चौथा वाला मेरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, ये पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैं इसको कुछ देर के लिए वाई मान लेता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा अंडर रूट में 8 है प्लस 2 लगा है, फिर अंडर रूट में 8 है प्लस 2 लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 8 और प्लस 2 और बचा हुआ जो यहाँ से यहाँ तक है ना ये वाई है मेरा, ऐसे बन जाएगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए इसको दोनों तरफ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 वाई, तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 फैक्टर कर देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 2 वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वाई वाई माइनस 4 और प्लस 2 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो वाई की वैल्यू माइनस 2 या वाई की वैल्यू 4, तो अंडर रूट की वैल्यू निगेटिव तो आती नहीं है, माइनस 2 पॉसिबल नहीं होगा, 4 पॉसिबल हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का क्या स्क्वायर है, मतलब अल्फा अल्फा स्क्वायर टाइप के हैं, तो पूछा जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी। तो सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो माइनस बी बाई ए, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा सी बाई ए, मतलब कितना हो जाएगा माइनस के क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के की पावर 1/3, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, अल्फा की जगह पे माइनस के की पावर 1/3 और प्लस माइनस के की पावर कितना हो जाएगा 2/3 और इज इक्वल टू 1, दो तरफ क्यूब कर देते हैं हम लोग, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे मिलेगा, तो ए क्यूब क्या मिलेगा मुझे, ए क्यूब मिलेगा माइनस के का स्क्वायर और प्लस बी क्यूब कितना मिलेगा माइनस के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab करेंगे तो माइनस के की पावर कितना हो जाएगा 1/3 टू 1 और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा ए प्लस बी का मतलब माइनस के की पावर 1/3 और प्लस माइनस के की पावर 2/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1, और इसकी वैल्यू तो 1 है, यहाँ से इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये कितना हो गया के स्क्वायर माइनस के और माइनस 3k, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो कितना मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, के इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac का मतलब 4 अपॉन 2a, तो के इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 20 का मतलब 2√5/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 प्लस माइनस रूट 5, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन आज का, अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम, अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम, ठीक है, टू डिजिट नंबर है 4 टाइम्स द सम है, 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है, एक टू ऑप्शन से चेक करेंगे हम लोग। तो मान ली 24 को मैं ले लूँ, तो कह रहा कि ये क्या है 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 4 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 4 और 2 आ गया 24 इज इक्वल 24, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, 21 कैन नॉट बी रिटन एज 4 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स, तो राइट में कितना आएगा 12 आएगा, 12 24 के बराबर तो होता नहीं है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन सी ऑप्शन और हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को ही मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको जो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।